Hello friends, welcome to all of you on my channel. Today we are going to discuss some probable questions for JEE Main 2020 on the chapters Matrices and Determinants. ठीक है, क्लियर डियर फ्रेंड. ये क्वेश्चंस जी एडवांस एग्जाम में पूछा गया था. ठीक है, इफ दिस इज इक्वल टू जीरो व्हेयर थीटा इज लाइंग बिटवीन, ठीक है, जीरो से पाई बाय टू, देन यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा है. ठीक है, क्लियर डियर फ्रेंड. ये जो डिटरमिनेंट है, क्लियर, सो दिस इज ए, अप्लाई करो, अप्लाइंग, सो दैट इज आर वन इज आर वन माइनस, ठीक है, सो दैट इज व्हाट आर वन माइनस आर थ्री and R2 is R2 minus R3, ठीक है, so it will get, so this is equal to, you will get, देखो ये तो 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, that is 0, this is sin square theta, ये क्या होगा, so this is 0, this is 1, and this is cos square theta, ये क्या हो जाएगा, this is minus 1, 1 plus sin 4 theta, ठीक है, so that is equal to is what, दैट इज इक्वल टू जीरो है. ठीक है, अभी ये दोनों को साथ ऐड कर दो, ये दोनों जब ऐड करोगे तो वन जीरो, सॉरी वन वन, एंड दिस इज ऑल्सो वन, दिस इज जीरो, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज माइनस वन माइनस वन, वन प्लस साइन फोर थीटा, सो दैट इज इक्वल टू जीरो है. यहीं पे कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किया ना, सो दिस इज सी वन इज सी वन प्लस सी टू है. अभी यहीं पे क्या करोगे आप, जस्ट सिंपली ब्रेक कर दो, तो सिंपली ब्रेक करोगे तो क्या होगा, वन प्लस साइन फोर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, और इधर से जब ब्रेक करोगे, देखो कॉस स्क्वायर थीटा, सो दिस इज, सो ये क्या होगा माइनस, सो दैट इज माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, एंड माइनस वन. ठीक है, सो ये जो माइनस है, सो दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, सो दैट इज इक्वल, तो ये क्या देगा, साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका साथ जोड़ दो, सो टू प्लस साइन फोर थीटा, सो दैट इज इक्वल टू जीरो है. ठीक है, सो दैट मीन्स इज व्हाट, देखो यहीं पे वन प्लस साइन फोर थीटा, एंड दिस इज ऑल्सो, ये क्या हो रहा है, सो दैट इज टू है. क्लियर, सो ये क्या होगा, देखो ये तो साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा, सो दैट इज व्हाट, so this is, oh sorry, this is 4 sin 4 theta, so this is 4 sin 4 theta, so this is 2 plus 4 sin 4 theta equal to 0 hai, so sin 4 theta equal to minus half, theek hai, so that means e kab kab half ho sakta hai, na ek bar pi plus pi by 6, 7 pi by 6, 2 pi minus pi by 6, so 11 pi by 6, ठीक है, सो थीटा का वैल्यू क्या होगा, देखो यू कैन से थीटा का वैल्यू यहीं पे क्या होगा, सो दैट इज 7 पाई बाय 24 एंड 11 पाई बाय 24. ठीक है, क्लियर. नाउ डियर फ्रेंड, अनदर क्वेश्चंस क्या है ना, जब अल्फा एंड बीटा दोनों नॉन जीरो है, एंड इफ एन इक्वल टू अल्फा एन प्लस बीटा एन, तो इसका वैल्यू जब ए होगा, तुम्हें के का वैल्यू फाइंड करना है. यहीं पे के का वैल्यू क्या होगा, देखो, सो दैट मीन्स उसके लिए ए जो डिटरमिनेंट है, क्लियर, सो दैट इज इक्वल टू इज व्हाट, ए जो डिटरमिनेंट है, सो दिस इज, देखो दिस इज थ्री प्लस थ्री, वन प्लस अल्फा प्लस बीटा, ए क्या होगा, वन प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वन प्लस अल्फा प्लस बीटा, वन प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये क्या होगा, वन प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये क्या होगा, वन प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये क्या होगा, देखो वन प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, एंड वन प्लस अल्फा फोर प्लस बीटा फोर. ठीक है, क्लियर. एक्चुअली ये जो, इसको इस फॉर्म में याद करो, वन वन वन, वन अल्फा बीटा, वन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, नाउ दिस इज ऑल्सो वन वन वन, सो दिस इज वन. ठीक है, सो दिस इज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, सो दिस. ठीक है, क्लियर. देखो ए रो वाइज, एंड हियर देखो ये क्या वैल्यू हो रहा है. ठीक है, क्लियर, सो दिस इज, ये क्या होगा, रो वाइज मल्टीप्लाई करो, थ्री हो गया, और ये क्या होगा, वन प्लस अल्फा प्लस बीटा, ए वन प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखो हो रहा है रो वाइज. अभी ये जब होगा, ये क्या होगा, देखो, सो दैट इज व्हाट. ठीक है, सो यू विल गेट दिस रिजल्ट.
ठीक है डियर फ्रेंड, अभी इसका ट्रांसपोज ले लो ना, ट्रांसपोज ऑफ ए डिटरमिनेंट, सो द सी इज इज व्हाट, सो दैट इज किसी इसका जो ट्रांसपोज है क्लियर, सो दैट इज इक्वल टू यू कैन राइट डिटरमिनेंट ऑफ ए है, सो दैट मीन इसका जब ट्रांसपोज लोगे तुम्हें ए मिल जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू इज व्हाट ना, दिस इज 1 1 1 1 अल्फा बीटा, 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको ये कहा था, ठीक है, एक चीज़ आपको याद करना था, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, 1 बीटा बीटा स्क्वायर, 1 गामा गामा, ठीक है, गामा स्क्वायर, 1 AA स्क्वायर, 1 BB स्क्वायर, 1 CC स्क्वायर, उस पर क्या था, सो दिस इज उस पर क्या था, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, सो दैट इज व्हाट, 1 AA स्क्वायर, ए का जगह पे 1 है, ठीक है, एंड BB स्क्वायर CC स्क्वायर, ठीक है, एंड BB स्क्वायर CC स्क्वायर, बी का जगह पे अल्फा है, सी का जगह पे बीटा है, सो हट विल राइट ना 1 माइनस अल्फा, ठीक है, एंड दिस इज 1 माइनस बीटा, एंड सो दिस इज व्हाट ना, अल्फा माइनस बीटा है, अभी ये स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर हो गया सब में, ठीक है, अभी इसका साथ कंपेयर करो, ठीक है, इस रिजल्ट का साथ कंपेयर करो, सो ऑब्वियसली यू कैन से द वैल्यूज ऑफ के, सो दैट इज इक्वल टू 1 है डियर फ्रेंड, ये जो पार्ट है, सो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स का हेल्प लेकर यू कैन सॉल्व इट, ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू इज व्हाट, सो दिस रिजल्ट, ठीक है। मैंने शुरू पे जो बोला था जो 14 डिटरमिनेंट का रिजल्ट को याद करना है वो याद होगा, तो ये क्वेश्चन यू कैन इजीली सॉल्व डियर फ्रेंड, क्लियर। इट्स माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम टेलीग्राम एंड ट्विटर फ्रेंड्स एज वेल एज ऑल सोशल मीडियाज अराउंड द वर्ल्ड। एट द एंड जस्ट आई वांट टू से थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।